हूँ जिसका मेन उद्देश्य समाज सेवा है, तो हाँ मैं बिल्कुल लुभा पाऊँगी लोगों को। मेरा मेन उद्देश्य महिला सशक्तिकरण पे लोगों को सारी योजनाओं से अवगत कराना, और यहाँ साफ सफाई भी वो मेरा मेन उद्देश्य होगा। लोगों को जितनी भी हमारी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, जो कन्याओं के लिए योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी पढ़ाई से लेके जन्म से लेके उनकी शादी तक के जितने जिन योजनाएं चलाई उनसे अवगत कराना, ताकि लोग जो बेटियों को बोझ समझते हैं उससे वो मुक्त हो सके और अपनी बेटियों को सर्वगुण सम्पन्न बनाकर उनके सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में। 5 साल पहले क्या दशा थी, आज खोड़ा में 5 साल के बाद क्या दशा हुई, ये सब उससे सब भली बात अवगत है। यहाँ पे अगर मूलभूत देखी जाए, 2 काम बाकी है। पानी ऐसे थे जो ये भी नहीं चाहते थे कि खोड़ा नगर पालिका बने, खोड़ा बहुत पहले नगर पालिका बनने जा रही थी पर बनने नहीं दी गई। मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने खोड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिलाया और हमारा विकास कराया, तो हम क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुने। फ्रंट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आशीष तिवारी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, ऐसे में हम इस समय खोड़ा में हैं और खोड़ा में भी अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग वार्ड में जोश खरोश के साथ अपनी जनता के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम 13 नंबर वार्ड में हैं, प्रिया गुप्ता हैं, बीजेपी से उम्मीदवार हैं। आखिर में ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा, कैसे लोगों को लुभा पाएंगी, इतनी तादाद में लेके चल रही हैं, क्या लगता है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगी? जी बिल्कुल, मेरा पहला जो मेरे लिए हर्ष की बात है, गर्व की बात है कि मैं एक ऐसी पार्टी से नेतृत्व कर रही हूँ जिसका मेन उद्देश्य समाज सेवा है, तो हाँ मैं बिल्कुल लुभा पाऊँगी लोगों को। मेरा मेन उद्देश्य महिला सशक्तिकरण पे लोगों को सारी योजनाओं से अवगत कराना, और यहाँ साफ सफाई भी वो मेरा मेन उद्देश्य होगा। लोगों को जितनी भी हमारी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, जो कन्याओं के लिए योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी पढ़ाई से लेके जन्म से लेके उनकी शादी तक के जितने जिन योजनाएं चलाई उनसे अवगत कराना, ताकि लोग जो बेटियों को बोझ समझते हैं उससे वो मुक्त हो सके और अपनी बेटियों को सर्वगुण सम्पन्न बनाकर उनका सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दे सकेंगे। वार्ड के आपका वार्ड है, क्षेत्र बहुत कम है, बहुत बड़ा नहीं है, बृहद नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा बजट नहीं होता है, क्या समझ में आता है, कितनी जनसंख्या है आपके वार्ड के और किस तरीके से आप परिकल्पना करती हैं उसको जोड़ पाएंगे? जी हमारे वार्ड में लमसम 5200 कुछ वोट हैं, वोटर्स हैं हमारे वार्ड में, और उसके बेसिस पे मैं अपने वार्ड को सर्वोत्तम वार्ड बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके लिए ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वार्डों के रूप में बाटा आवंटित किया गया है यहाँ पे क्षेत्र को, जिससे कि हम भलीभांति अपने क्षेत्र का भलीभांति विकास कर सकेंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। प्रतिद्वंदियों को कैसे टक्कर देंगी, कुछ प्लान है क्या दिमाग पे, क्योंकि अब तो सामने है, वही मार्केट है, वही बाजार है, आपको अपनी तरफ लुभाना जी। सबसे बड़ा जो मेरे लिए मुद्दा, सबसे बड़ा जो पॉइंट है मेरे लिए वो ये है कि मैं एक ऐसी पार्टी से, भाजपा से हूँ मैं, जिसका काम ही विकास करना है, सबका साथ सबका विकास जिनका मुद्दा ही है। और दूसरा, मैं शिक्षित महिला हूँ, मुझे पता है कि कैसे महिलाओं का विकास करना है, कैसे लोगों को उनके अधिकार से अवगत कराना है, इसलिए मैं भली भांति अपने वार्ड को सर्वोत्तम वार्ड बना पाऊंगी। सर्वोत्तम वार्ड बनाने की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि लोग सपोर्ट करेंगे? भाई देखिए, जैसा विश्वास है पूरे विश्व में भाजपा ही भाजपा हो रही है, और आप लोगों ने देखा होगा अब तक जो भी काम हुआ है, कोई लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। हमारे खोड़ा में 5 साल पहले क्या दशा थी, आज खोड़ा में 5 साल के बाद क्या दशा हुई है, सब उससे सब भली बात अवगत है। यहाँ पे अगर मूलभूत देखी जाए, 2 काम बाकी है, पानी और सीवर। हमारी केंद्र में सरकार, हमारी राज्य में सरकार है, इसके वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सभासद, हमारे चेयरमैन पर्सन सब सक्सेस होंगे और हमें पूरी मूलभूत सुविधाएं देंगे। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, जलजमाव हो गया था, कैसे विकास होगा, सत्ता तो आपकी ही थी ना? उसके बाद भी सबसे बड़ी हमारे लिए हर्ष की बात है कि हम पार्टी, हमारी मीटिंग थी वहाँ पे, उसके बाद भी हम कम से कम 50-60 लोग थे वहाँ पर, सब इकट्ठा थे। वो है भाजपा का विश्वास कि हाँ ये विकास करेगी, तभी तो वहाँ पर वो एकत्रित थे बारिश होने के बावजूद भी, वो 1.5-2 घंटे तक वहाँ अड़े रहे, अडिग रहे। आपकी प्रत्याशी महिला है, आप भी महिला है, कैसे लग रहा है, कैसे लोगों को जोड़ेंगे, महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे? बहुत अच्छे से जोड़ेंगे, प्यार से जोड़ेंगे कि बीजेपी को लाना है, और बीजेपी को लाना है, और गलियों का और सब कॉलोनी का विकास करवाना है। और ठीक है, क्या क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता। क्या लगता है गुप्ता जी, लोगों को कैसे एकत्रित होंगे? लोग एकत्रित होंगे विकास के पीछे, लोगों ने देखा है
कि 5 साल पहले कॉलोनी की क्या दुर्दशा थी और यहाँ कितने भू माफिया, कितने शराब माफिया, रात को लोग ऑटो वाले जो खोड़ा में आने से नहीं डरते थे, आज वो यहाँ की चरण चांद देख करके रास्ता भूल जाते हैं, कहते हैं ये खोड़ा नहीं है, कुछ और है, ये सिर्फ बीजेपी ने ही कराया है। तो आने वाले समय में भी हम बीजेपी को ही चुनेंगे और जो हमारी बची हुई समस्याएँ हैं समस्याएँ, ऐसी बात नहीं है समस्याएँ नहीं हैं, हर जगह होती हैं समस्याएँ, लेकिन आने वाली समस्याएँ जो हमारी हैं वो मात्र एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी, हमारे योगी जी और मोदी जी, हमारे सुनील शर्मा जी, बहन रीना भाटी जी, जो आज 5 साल से सरकार में बैठे हैं और उन्होंने खोड़ा की तरफ देखा, वरना बहुत से विपक्षी दल ऐसे थे जो ये भी नहीं चाहते थे कि खोड़ा नगर पालिका बने, खोड़ा बहुत पहले नगर पालिका बनने जा रही थी पर बनने नहीं दी गई। मात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने खोड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिलाया और हमारा विकास कराया, तो हम क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनें, हम बिल्कुल उनके प्रत्याशियों को चुनेंगे और अपना विकास करेंगे और अपने लोगों का, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने भारत का विकास कराएंगे। हमारा अपना विकास नहीं होगा, हमारे भारत का विकास होगा, मेरा भारत बुलंद होगा, मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, इसलिए मुझे अपने भारत का विकास करना है। विश्व गुरु तो बन जाएगा ठीक है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं तो जरूरी होती है ना, जल जमाव के साथ साथ जल की जो अभी बात आपने किया कि गंगा जल आना चाहिए, ऐसे में कुछ ऐसे ही उम्मीदवार हैं खास तौर से चेयरमैन के पद के लिए निर्दलीय, वो ये कह रहे हैं कि डेट और तारीख लिख लीजिए, देखिए हम आपको लेके आते हैं पानी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जल का मुद्दा तो विपक्षी का था ही, लेकिन मुद्दे के साथ साथ हमारे सांसद जी, विधायक जी अपने सदन में बात रख करके सबसे पहले खोड़ा वासियों के लिए 70 टैंक की व्यवस्था करवाई, जिससे कि हर वार्ड में हर दो दो टैंक पहुंचे, लेकिन कहीं व्यवस्था पानी की भरपूर है, कहीं है नहीं, लेकिन उन कामों को देख करके उन व्यवस्था को उपलब्ध कराया जनता तक, क्योंकि अगर हमारी पार्टी अगर काम नहीं करती तो विकास नहीं करती तो वोट मांगने का अधिकार भी हमें नहीं था। हम जनता के बीच इसी रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जाएंगे कि हमारे जो जनता के बीच सड़क, नाली, खरंजे, लाइट जो भी दी है तो सिर्फ एक ही दल ने दी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने। इसी रिपोर्ट के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। ठीक है, आप आखिरी प्रश्नों की घड़ी में आप ये हमें बताएं कि कैसे और सारी इस 13 नंबर वार्ड के लोगों को एक मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहिए। भैया जी ने पहले ही कह दिया, राज्य में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार और नगर निगम में भी हमारी सरकार, तो अगर निचले लेवल तक हमारी सरकार होगी तो हम अपना विकास सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी बात को ऊपर तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाएंगे, अपने मुद्दे को हम बाकायदा। बेशक निर्दलीय कह रहे हैं कि वो पानी लाएंगे, बट वो पानी कहाँ से लाएंगे, अपनी जेब से तो देंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ा फंड होता है जो एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही पास करती है, उसी के बेसिस पे काम होता है। तो अगर भैया ने कहा ना, अगर हमें विकास कराना है तो अगर विकास कराना तो भाजपा को ही लाना है, क्योंकि केंद्र से लेके निचले लेवल तक भाजपा बैठी है। अगर विकास कराना है तो उसको लाना, ताकि अपने मुद्दों को, अपनी बात को हम सही तरीके से उनके पास रख पाए, अपना निवारण हम करा पाए। आपको लगता है कि इस बार जो आपके वार्ड में लोग थे वो साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे पाए? हाँ कह सकते हैं, जब यहाँ का कोई सभासद था वही भाग गया, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाया तो सफाई क्या करवाएगा, उसने अपना दायित्व लिया और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया, तो दायित्व जब उसने पूरा ही नहीं किया तो काम कहाँ से करा पाता। हाँ, बट मैं इस बात से विश्वास दिलाती हूँ कि अगर हाँ मैं इस वार्ड से सभासद प्रत्याशी नामित होती हूँ तो मैं अपने वार्ड को हमेशा नीट एंड क्लीन रख के हमेशा उसकी मतलब कि उसे सर्वोत्तम वार्ड बनाना है, मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को मतदान होने के बाद और परिणाम आने के बाद 13 तारीख को ये पता चल पाएगा कि 13 नंबर वार्ड में विजय श्री इनको मिलती है या विपक्ष में जो और दावेदार हैं उनको मिलती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, खोड़ा, उत्तर प्रदेश।